और अभी की बड़ी खबर में बता दूं, शाम 5 बजे कार्यकर्ताओं को पहुंचने का संदेश दिया गया है। बीजेपी मुख्यालय बीजेपी हेडक्वार्टर में बड़े जश्न की तैयारी चल रही है। शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है। तमाम कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि आप वहां पर पहुंचें और आज की इस जीत को सेलिब्रेट वहां पर किया जाएगा। शाम 5 बजे का वक्त इसके लिए तय किया गया है। देखिए बद्री जी, एक सवाल जो मैं उन नेताओं से भी पूछ रहा हूँ, पॉलिटिकल लीडर से भी, ये लोकतंत्र है और यहाँ जो जीता वो सिकंदर, सरकार तो बीजेपी बना रही है, बीजेपी जीत गई है। बिल्कुल, बीजेपी जीत गई है, सरकार बनाने जा रही है और सचमुच कहा आपने, जो जीता सो सिकंदर, और जो सरकार बनाने जा रही है अब सारे इक्वेशंस उसके हाथ में ही रहेंगे। वो सारा ये जो चल रहा है ना कि ये आ जाएंगे वो आ जाएंगे, इसके सारे शर्त अब बीजेपी ही तय करेगी। लेकिन ये है कि बीजेपी को अपने एक एक वोट बचा के रखना होगा, मैंने संगोरना है, ये टाइम है उसको संगोरने का। उनको चूँकि खोना कुछ भी नहीं है, उनको तो जो पाना ही पाना है, तो दे आर वेरी एग्रेसिवली मोबिलाइज कर रहे हैं, इससे बात कर लिया, उससे बात कर लिया। बीजेपी अपने को एक एक वोट को, एक एक साथी को, एक एक संगतिया को उसको संभाल के रखना है और वो जा रही है सरकार बनाने, ये बड़ी कहते हैं ना एक जिम्मेवारी के साथ और एक कहते हैं ना बहुत ही सेंसिटिव टाइम है बीजेपी के लिए और वो शायद उसको रिस्पॉन्ड भी करेगी। एक सवाल ये भी है, यहाँ पर मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं, कर्नाटक वगैरह की अगर मैं बात करूं, दक्षिण के राज्यों की बात करूं, तो यहां से बीजेपी के लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है? केरल से मैं, जहां से मैं आता हूं, वहां केरल के देखेंगे तो केरल के बीजेपी पे पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा था। वो 2 सीट में अभी आगे हैं, शशि थरूर कैचिंग अप कर रहे हैं, पर फिर भी 2 सीट का फायदा हुआ है। पहली बार बीजेपी अकेले जीत रहे हैं वहाँ पर। त्रिशूर में कंफर्टेबल मार्जिन है, 60,000 का लीड है वह उनके। और कर्नाटका, ये तो बीजेपी के लिए बड़ी गेन है ना, अगर इस तरीके से ग्राउंड वहां पर ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साउथ हैज बीन सेविंग ग्रेस फॉर बीजेपी। की बड़ी खबर दर्शकों को मैं बता दूं, नतीजों का जो अलर्ट है, कैराना से एसपी की जो प्रत्याशी है इकरा हसन वो जीत गई है। कैराना से समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता दूं, कैराना से जो खबर आ रही है। और एक सवाल सर मैं आपसे समाजवादी पार्टी के संदर्भ में पूछना चाहूंगा, जिस तरह की जीत उन्हें मिल रही है, जो नतीजे लगातार आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, ये कम से कम सपा के लिए तो बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि उम्मीदों का जो उनका उफान है वो आएगा आने वाले दिनों में। देखिए, मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश यादव को जिस तरह से पराजय 1-2 चुनाव में देखनी पड़ी, उससे उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव प्रचार अभियान चलाया, उससे केवल अखिलेश यादव को नेता ही नहीं मान लिया गया है, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है कि इस बार मायावती जो BSP के मतों को जो है उसमें उन्होंने सेंध लगाई है, और BSP का एक बहुत बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ लौटा है, क्योंकि BSP से उसका मोहभंग हो गया था। उत्तर प्रदेश का कुछ समीकरण आने वाले दिनों के लिहाज से बदलता दिख रहा है क्या छोटे में? बिल्कुल मुझे दिख रहा है, क्योंकि अब ये जो कह रहे थे कि अब दलित वोटों पर सबके तरफ से सेंधमारी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये BSP के वोट से ज़्यादा ये वो वोट हैं जिसमें से कुछ परसेंट जो BJP के वोट थे वो उधर गए हैं। यहाँ से मैसेज आगे क्या जा रहा है आने वाले दिनों के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा असर पड़ा है वो असर पड़ा है संविधान बदलने वाली बात को लेके। वो जो दलितों का वोट, मैं 21% में 11% केवल जाटों की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल पासी भी है, ये सारे जितने भी वोट है, ये वोट ज़्यादा जो शेयर है वो उसका BJP से गया, जो कन्वर्ट हुआ है समाजवादी पार्टी की सीट में। संगठन नहीं था मुलायम सिंह के बाद, कई झटके भी खाए अखिलेश यादव ने, लेकिन हाँ, अखिलेश यादव ने यादव में केवल 5 टिकट दिए और इसके अलावा ये देखा ही नहीं कि मुसलमानों को टिकट देना है या फला जात को टिकट है। उसने जिस जगह पे जो कास्ट इक्वेशन बना के समझा वो बहुत स्मार्टली टिकट दिया और वो नंबर्स में कन्वर्ट। तो ये फॉर्मूला तो कामयाब हो गया ना।